भाई आज के इस टाइम में आपको कुछ पता हो या ना हो, लेकिन कुछ बेसिक चीजों के बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए, क्योंकि आज का टाइम है टेक्नोलॉजी का टाइम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से क्विक सपोर्ट चैनल में। तो आज हम जानेंगे ऐसे ही एक वर्ड के बारे में जिसका नाम है रैम। जी हाँ, RAM। ये रैम क्या है? तो इस शब्द से ऑलमोस्ट सभी स्मार्टफोन यूजर्स परिचित हैं, क्योंकि जब आप नया मोबाइल लेने जाते हैं तो आपके मन में यही सवाल रहता है कि आपको कितनी रैम वाला मोबाइल लेना चाहिए, जिससे कि आगे चल करके आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। रैम की अगर बात की जाए तो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो या फिर आपका मोबाइल, सभी डिवाइस में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि इसके कारण ही कोई भी डिवाइस बेहतर काम करती है। अगर आप भी नहीं जानते हैं तो हम आपको बताने वाले हैं आज रैम क्या होती है और आपके मोबाइल या कंप्यूटर में कितनी रैम होनी चाहिए। सबसे पहले आपको बताते हैं रैम की फुल फॉर्म, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसकी फुल फॉर्म से तो इसके बारे में कुछ खास नहीं पता चल रहा है, तो आइए इसे एक सिंपल एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आप किसी ऑफिस में बैठे हैं और आपको काम करने के लिए एक फाइल चाहिए होगी, और फाइल किसी दूसरे कमरे में रखी हुई है। तो जब भी आपको काम करना होगा तो आप दूसरे कमरे में जाएंगे और इस फाइल को ले आएंगे और डेस्क पर रख करके उस फाइल पर काम करने लग जाएंगे। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आपको एक साथ बहुत काम करने होते हैं और इसके लिए आपको बहुत सारी फाइल्स की जरूरत पड़ेगी, तो इस ज्यादा काम के लिए आपको ज्यादा फाइल्स रखने के लिए बड़ी डेस्क की जरूरत भी पड़ेगी। तो जब आपको कोई सा भी काम करना होगा तो आप डेस्क से उसकी फाइल उठाकर काम करने लग जाएंगे। जब आपका काम खत्म हो जाएगा तो आप वापस उन सारी फाइल्स को उसी कमरे में रख देंगे। तो जो रैम मोबाइल में होती है वो कुछ इसी तरीके से काम करती है। जो फाइल वाला दूसरा कमरा है उसे आप इंटरनल मेमोरी मान सकते हैं, जिसमें आपकी सारी फाइल और एप्लीकेशंस है, और जो डेस्क है वो आपकी रैम हो गई जिस पर आप काम करते हैं। तो यहाँ इसका काम आपके आदेश के अनुसार, यानी कि आपकी डायरेक्शन के अनुसार किसी ऐप को ला करके उसे रन करना है। क्योंकि किसी भी ऐप को ओपन होने में कुछ सेकंड्स का टाइम लगता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि रैम की स्पीड बहुत फास्ट होती है। तो यहाँ इसका काम आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग किसी भी एप्लीकेशन को ला करके उसे रन करना है। क्योंकि किसी भी ऐप को ओपन होने में कुछ सेकंड्स का टाइम लगता है, ये इसलिए होता है क्योंकि रैम की स्पीड बहुत फास्ट होती है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 GB रैम को बनाने में उतना खर्च आता है जितना कि 16 GB के मेमोरी कार्ड बनाने में होता है। तो CPU को जो फाइल चाहिए होती है, रैम उन्हें जल्दी से जल्दी भेजने का काम करती है। जब आप किसी गेम को इंस्टॉल करते हैं तो वो रैम में इंस्टॉल नहीं, बल्कि वो फोन की इंटरनल मेमोरी में इंस्टॉल होता है, और जब आप उस गेम पर क्लिक करते हैं तो वो रन करने के लिए फोन की मेमोरी से रैम पर आ जाता है और रैम काम करने लग जाती है। इस बीच में CPU और रैम के बीच बहुत तेजी से इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है। लेकिन जब आपके कंप्यूटर या मोबाइल की रैम कम होती है और आप कई बड़ी एप्लीकेशन खोल के रन कर रहे होते हैं, तो इस सिचुएशन में मोबाइल या कंप्यूटर हैंग होने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा रैम मल्टीटास्किंग के लिए उपयोगी होती है, और वैसे भी आजकल तो सुपर मल्टीटास्किंग है। व्हाट्सएप भी देखना है, फेसबुक भी चेक करना है, गाने भी सुनने हैं, कैलकुलेशन भी करनी है, चैटिंग भी करनी है, मतलब कोई लिमिट नहीं है। चलिए, ये तो रही मल्टीटास्किंग की बात, और आगे बात करते हैं कि रैम का होना कितना जरूरी है। कहने का मतलब ये कि रैम क्या है ये तो आप जान ही गए, अब ये भी जानना चाहते होंगे कि कितनी रैम होना जरूरी है। तो आज के टाइम में देखा जाए तो किसी भी मोबाइल में कम से कम 2 GB रैम तो होनी ही चाहिए, क्योंकि आजकल की एप्लीकेशन का साइज धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। जैसे फेसबुक की बात करें तो वो जब ओपन होती है तो 200 से 300 MB रैम खर्च हो जाती है, और फेसबुक ही नहीं बल्कि बाकी के सारे एप्लीकेशन के साइज अपग्रेड होने के साथ इनके साइज भी बढ़ते जाते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल में मल्टीटास्किंग कर सके तो मोबाइल में कम से कम 2 GB रैम होना तो बहुत जरूरी है, जिससे कि मोबाइल के हैंग होने की प्रॉब्लम से आप निजात पा सकते हैं। वैसे आप चाहे तो 3 GB या 4 GB वाले स्मार्टफोन की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि अभी तो 2 GB ही काम दे देगा, लेकिन फ्यूचर में आपको 2 GB में प्रॉब्लम आने लग जाएगी।
तो आई एम श्योर कि अब आप रैम के बारे में काफी कुछ जान गए होंगे। आपको पता चल गया होगा कि रैम क्या है। वैसे आपको एक और चीज बतानी है कि जितना हो सके उतनी ज्यादा रैम की डिवाइस आपको खरीदनी चाहिए, क्योंकि रैम ऐसी चीज है जिसे कि बाद में बढ़ाया नहीं जा सकता। यानी कि आप मेमोरी कार्ड लगा करके स्पेस तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन रैम को नहीं बढ़ा सकते। हालांकि कंप्यूटर में रैम बढ़ाने का ऑप्शन होता है, लेकिन मोबाइल में ये ऑप्शन नहीं मिलता है, क्योंकि कुछ ऐसी एप्लीकेशंस है जो कि रूट होने के बाद फोन की मेमोरी को रैम में बदल देती है। लेकिन इससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता, बल्कि मोबाइल पहले से और भी ज्यादा स्लो हो जाता है। तो आई होप कि आज इस छोटे से वर्ड रैम के बारे में आपको सारी जानकारी मिली होगी। इवन अभी आपको कॉन्फिडेंस होगा कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम मोबाइल परचेज करेंगे या कोई भी डिवाइस परचेज करेंगे तो रैम के बारे में आप अच्छे से बात कर सकते हैं और किसी को भी इस बारे में बता सकते हैं। वैसे इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, और आगे आप किस बारे में वीडियो देखना चाहते हैं ये भी हमें बताइए। साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आप कभी भी ऐसी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल मिस ना करें। थैंक यू सो मच।